किसानों के कर्ज माफ किए गए हैं, राजस्थान में किसानों के कर्ज माफ किए गए हैं, कर्नाटका में किए थे, और आज हम कह रहे हैं कि आपके कर्ज माफ करेंगे। क्योंकि जब 15 महीनों के लिए मध्य प्रदेश में आपने पिछली सरकार कांग्रेस की चुनी थी, तो उन्होंने, कमलनाथ जी ने किसानों के कर्ज माफ करना शुरू किया था। तो हम उस आधार पर कह रहे हैं कि फिर से आपके कर्ज को माफ किया जाएगा। 100 यूनिट बिजली की बिल आपको माफ होगी और 200 यूनिट बिजली की बिल हाफ होगी, मतलब आधी की जाएगी। इसका भी आधार है, ये भी पहले किया गया था और कांग्रेस के प्रदेशों में हो रहा है आज भी। पुराना पेंशन यहां लागू होगा। पुराना पेंशन राजस्थान में आज लागू है, छत्तीसगढ़ में लागू है, हिमाचल प्रदेश में लागू है और कर्नाटका में लागू है। इस आधार पर हम कह रहे हैं कि हम मध्य प्रदेश में भी पुराने पेंशन को लागू करेंगे। गैस सिलेंडर को हम 500 रुपए में देंगे। जब कांग्रेस की सरकार थी तो आपको 425 रुपए में मिलता था, आज कहीं भी जाएं 1200 रुपए, 1400 रुपए में। हाँ, चुनाव आ रहा है, उसको चुनाव के लिए कम कर दिया, वो अलग बात है। देखिए बहनें, सुन लीजिए, ये नहीं है कि पिछले 5 सालों से, जब से इनकी सरकार रही है 18 सालों से, आप संकटों का सामना नहीं कर रही थी। ये नहीं है कि उस समय आप गरीब नहीं थे, आप आज गरीब हैं चुनाव से पहले। तो ये सारी स्कीमें उस समय क्यों नहीं लागू की इन्होंने, आज क्यों बता रहे हैं? सरकार तो इन्हीं की थी ना, सरकार इन्हीं की थी, तो रोजगार क्यों नहीं दिए? मध्य प्रदेश में आज तमाम पद खाली क्यों हैं, बताइए। यहां नौजवान खड़े हैं, आप सबने कहा रोजगार नहीं दिए, लेकिन आपको मालूम है कि कितने पद खाली पड़े हैं? कि जैसे स्वास्थ्य व्यवस्था में आप देखें, तमाम पद 90% से ज्यादा हर स्तर पर खाली पड़े हैं। विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के पद खाली हैं, क्यों नहीं भरे? आपकी सरकार रही 18 सालों से, भाई आप भर सकते थे। आजकल तो नौजवान कोई ऐसा नहीं है जो पढ़ा लिखा नहीं है। गरीब से गरीब परिवार में आजकल माँ बाप मेहनत इसलिए करते हैं कि बच्चा पढ़े लिखे और उसका भविष्य मजबूत बने, उसको अच्छा रोजगार मिले। तो तमाम पढ़े लिखे बच्चे हैं, नौजवान हैं, कईयों ने भर्ती की परीक्षाओं में भी आपने घोटाला कर दिया। आपने दिए हैं, रोजगार मिला, पद खाली पड़े हैं ना, घोटाला हुआ होगा उसमें, और क्या क्या है ना। इस प्रदेश में जितने घोटाले हुए हैं, शायद देश के किसी और प्रदेश में नहीं हुए होंगे इनके कार्यकाल में। मेरे पास एक लंबी लिस्ट होती थी, मैं पढ़ पढ़ के थक गई। मैंने कहा भाई मैं पढ़ना छोड़ दूं। सबको मालूम है कि भ्रष्ट सरकार है और घोटाले पे ही चलती है, आपसे पैसा लिया जाता है, छीना जाता है, बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े नेता खा जाते हैं, सब जानते हैं। आप जानते होंगे, आपने भर्ती की परीक्षा दी, जब आप किसी काम के लिए जाते हैं या किसी सरकार के किसी डिपार्टमेंट में जाते हैं काम कराने के लिए, तो बगैर घूस के होता है? नहीं होता ना। क्या सरकार का काम है कि आपसे घूस ले, कि सरकार का काम है कि आपकी संपत्ति वापस आपके जेब में डाले? बताओ, सही तरह से सरकार चलेगी ना तो आपकी जो संपत्ति है वो आपके जेब में वापस डाली जाएगी। कैसे? ये जो घोषणाएं मैं कर रही हूं, ये जो स्कीम है, ये वही स्कीम है जिनसे जो आपके पैसे हैं वो आपके पास वापस आए। क्योंकि जो सरकार के पैसे हैं ना, वो सरकार के नहीं होते भाई और बहनों, सरकार का नाम होता है उस पे, वो है आपके, देश के पैसे हैं, प्रदेश के पैसे हैं। तो अगर आपके लिए नहीं खर्चे जा रहे हैं तो आपको सतर्क होना चाहिए, आपको सवाल उठाना चाहिए, आपको ये सवाल उठाना चाहिए कि ये किसानों का क्षेत्र है, ठीक है? अब आप इतने संकट में हैं, यहाँ के किसान रो रहे हैं, महंगाई इतनी है, पेट्रोल डीजल हर चीज पे जीएसटी लगा रखा है, ट्रैक्टरों पे जीएसटी है, इस पे जीएसटी, उस पे जीएसटी, खाद नहीं मिलता, यूरिया नहीं मिलता, नर्मदा जैसी महानदी है यहाँ लेकिन पानी नहीं मिलता। आपने प्याज उगाई, उसका क्या हुआ?
निर्यात के समय ड्यूटी बढ़ा दी, उस समय आपसे कम दाम में खरीदा, और आज 100 रुपए का हो गया है ना प्याज। तो आपको सवाल उठाना चाहिए कि भाई हम मेहनत कर रहे हैं, हम इस देश के वासी हैं, हम इस जमीन को सींच रहे हैं, हम इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं, हमारे लिए ये सरकार क्या कर रही है। ये सवाल आपको उठाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये सवाल आप उठाएंगे नहीं तो आपके साथ 5 साल और वही होगा जो हो रहा है आज, और गलत हो रहा है। आपका पैसा आपसे लिया जा रहा है, टैक्स से लिया जा रहा है, बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां जो हैं, जिससे आपको रोजगार मिलता था, जिससे आपको ऐसी नौकरी मिलती थी कि कोई खदेड़ नहीं सकता था आपको बेवजह, प्राइवेट की नौकरियों में तो कभी भी निकाल दें, सब सरकारी नौकरी चाहते थे। क्यों? क्योंकि नौकरी की सुरक्षा होती थी, रोजगार का सुरक्षित महसूस होता था इंसान जब उसको वो रोजगार मिलता था कि चलो बाद में 20 साल बाद पेंशन भी मिल जाएगा। अब आप देखिए, आप सरकारी कंपनियां को लीजिए,